हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मोटर से संबंधित स्टार्टर को बता रहा हूं। इलेक्ट्रिकल मोटर को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर में एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जिस स्टार्टर का उपयोग करते हैं उसमें कई स्टार्टर है, जैसे ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इस तरह से कई स्टार्टर है जिसका उपयोग हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो स्टार्टर कभी कभी ड्राइंग में आ जाता है क्वेश्चन कि ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ ड्यूएल स्टार्टर या ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। और कभी कभी होता है कि स्टार्टर के साथ आप मोटर को कनेक्ट करके किसी मोटर को या एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन मोटर को या और भी कोई मोटर जो है डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं, डीसी स्टार्टर की जरूरत पड़ेगा उसमें 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, इस तरह जितने भी मोटर है सबको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो अभी हम आपको एक स्टार्टर बता रहे हैं जिसका नाम है DOL। DOL स्टार्टर का मतलब होता है, ये हम बता रहे हैं DOL स्टार्टर। DOL का फुल फॉर्मूला डायरेक्ट ऑनलाइन ऑनलाइन स्टार्टअप, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टअप को बनाने की प्रक्रिया को अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार बनाया जाएगा, और बहुत आसान है, इसे आप अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए किस प्रकार हम बनाते हैं इसको और इसको किस प्रकार हम कनेक्ट करते हैं मोटर का। तो सबसे पहले स्टार्टअप बनाने के लिए क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं प्लंजर से। ये हम प्लंजर बना रहे हैं पहले, ये देखिए ये सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और चूंकि ये जो प्लंजर है ये इंसुलेटेड मटेरियल, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहता है जिसको हम डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हम इसको दिखा रहे हैं कि ये इंसुलेटेड रहता है। अब इसमें चार पत्ती होता है जिसको कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो चार पत्ती को दिखाने के लिए हम यहां पे ये प्लंजर दिखा रहे हैं। जो प्लंजर जो लीफ है, पत्ती जो है, इस पत्ती को दिखा रहे हैं जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये देखिए, ये इसको पहला बनाते हैं, ये छोटा है, इसमें ये भाग कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को कॉन्टेक्ट करने वाला दो पॉइंट रहेगा यहां पे, जैसे इधर से आया ये, और ये भी पॉइंट है जस्ट इसके सामने रहेगा। ये देखिए सारा जो है नॉर्मली ओपन है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट कोई भी पॉइंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं नॉर्मली ओपन इस पॉइंट को। अब इसी तरह हम तीन और जो फेज आएगा, तीन फेज का पत्ती, इसको हम बना रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। दोनों तरफ ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ का नाप बराबर हो, ये ध्यान रखेंगे, पत्ती का नाप हम बराबर बराबर रखेंगे, ये बिल्कुल आसान है, आप केवल इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक पत्ती है, इसका ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये जो है बना रहे होल जैसा, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है। इसी से इतनी ही दूरी पे, जितना ऊपर वाला का दूरी रखें उतनी ही दूरी पे इसको टच करने वाला पत्ती देंगे जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और इसकी मोटाई को दिखा रहे हैं, इस पत्ती की मोटाई को दिखाते हैं। यहां देखिए ये पॉइंट जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताइए कैसे काम कर रहा है। ये समान दूरी पर पहले हम पत्ती को बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इंटरनली कनेक्ट है, ये दो हुआ एक, और इसका ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हुआ, ये भी इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है,
और नीचे से जो इनकमिंग लाइन आएगा इसका ये पॉइंट होगा ये ध्यान रखेंगे कि सबका डिस्टेंस एक समान होना चाहिए जिससे कि ये जब होल्ड करे तो सबको एक साथ होल्ड करे। ये देखिए सब एक समान हम लोग बात भी कर लेंगे। फिर तीसरा पंक्ति है ये भी समान दूरी पर रखेंगे और समान लेंथ रखेंगे दोनों साइड। इसकी मोटाई भी दिखाए ये है, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट को दिखाए और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को जो डिस्टर्ब होल्ड करेगा ये पोजीशन नीचे का भाग नीचे को ये बना लेंगे। इसके बाद तब इसको हम समझाते हैं कैसे ये वर्क करता है। ये देखिए ये सब देखिए एक समान होना चाहिए, ये ध्यान रखें ये सारा एक समान होगा। इधर से इनकमिंग आएगा इधर से और वही होगा। इस अब हम इस सब को जोड़ देते हैं ओवरलोड रिले के साथ, ओवरलोड के साथ हम जोड़ते हैं सबको एक। ये देखिए ओवरलोड है ये, इसको जोड़े फिर सिमिलरली सेकेंड वाले को ये ओवरलोड से जोड़ेंगे, ये फिर थर्ड वाले को भी ओवरलोड से जोड़ेंगे। और ये सारा ओवरलोड जो ये जो बना हुआ है ये बायमेटलिक होता है, धातु दो धातु से मिलकर बना होता है और इसी धातु के ऊपर से वायरिंग किया जाता है, यानी ये भी एक क्वाइल है और ये जो क्वाइल है ये रेस्ट करता है आकर के ये जो इसके ऊपर जो प्लंजर लगा हुआ है, सॉरी प्लंजर जो लगा हुआ है ये आकर के एक स्विच होता है, ये बाहर ऐसे ये इधर रहेगा तो ये आकर इस पर टच किया हो जाता है लाइन ओवरलोड का एरो, ठीक है टच रहता है और ये कनेक्शन के साथ जुड़ा रहता है। ये जो पोजीशन है ना ये कनेक्शन में, अब कनेक्शन करेंगे इसको, कनेक्शन कैसे करना है ये ध्यान देना है। ये ओवरलोड हो गया, ये देखिए ये भी ओवरलोड है, ये भी ओवरलोड है, ये भी ओवरलोड है और ये ओवरलोड रिले है, ओवरलोड इसको रिले करें, ओवरलोड रिले स्विच ये है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो प्लंजर है इस प्लंजर में तो ये फाइबर का है, इसके साथ थोड़ा सा पोजीशन ये हम अलग से बना देते हैं। ये पोजीशन नीचे का भाग 100 टायरन से जुड़ा रहता है, 100 टायरन के पीस से ये जुड़ा रहता है। ये देखिए ये 100 टायरन है, 100 टायरन से इसको जुड़ा जाता है, इसमें 100 टायरन गया और इसी के नीचे, इसके नीचे देखिए इसी के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि एनवीसी क्वाइल, इसको नो वोल्ट क्वाइल कहते हैं, इसका नाम है एनवीसी नो वोल्ट क्वाइल, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। किसी धातु के ऊपर अगर लोहे के धातु के ऊपर कोई क्वाइल को लपेट देते हैं तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और इस मैग्नेट का क्षमता 440 वोल्ट का होता है। ये जो इसमें क्वाइल होता है इसमें क्वाइल वो बनाते हैं, ये पतले तार का अधिकतम होता है जो 440 वोल्ट को सहने की क्षमता रखता है। ये 440 वोल्ट तक सप्लाई इसमें देते हैं तब ये जाकर के मैग्नेटाइज होता है, इसमें मैग्नेटिक पावर बनता है। अब ये मैग्नेटाइज होगा उसके लिए कहां से लाइन आएगा, अब देखिए हम लोग तीन फेज का लाइन ले रहे हैं यहां से, ये लाइन यहां से दिए, एक लाइन यहां से दिए और एक लाइन यहां से दिए, तीनों लाइन को एक स्विच के माध्यम से देते हैं जो स्विच कहलाता है आईसीटीपी स्विच। ये आईसीटीपी स्विच को देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्यूज से जोड़ते हैं। ये देखिए ये फ्यूज हो गया, ड्राइंग को अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो आपको एग्जाम में बनाना आसान होगा। ये फ्यूज का सिंबल है,
ये हम फ्यूज बना रहे हैं। अब ये इस फ्यूज को के नीचे हम ये जो देखिए ये आईसीपीपी स्विच बना रहे हैं, सबको एक एक में ऐसे करेंगे और सब एक सीध में होगा, ये ध्यान रखेंगे एक सीध में रहेगा ये, और ये इसी के साथ ये इसके ऊपर भी इंसुलेटर रहता है, ये कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर रहता है, जो जिसको डॉट डॉट दिखा रहे ना वो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटेड चढ़ा रहता है, लोहे के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहता है, जिससे कि ये आपस में शॉर्ट नहीं करे, किसी के ऊपर इसी के ऊपर इस इंसुलेटर के ऊपर इसको क्लैंप किया जाता है। ये देखिए ये क्लैंप किया हुआ रहता है और इसी के इसके बाद लाइन को इसमें हैंडल लगा रहता है, ये मेन स्विच हो गया, मेन स्विच का हैंडल होगा ऑन ऑफ हैंडल, जैसे ऊपर कर दी नीचे करेंगे इस प्रकार, इसमें लाइट इनकमिंग लाइट आता है थ्री फेज का, और थ्री फेज के लाइन का कलर क्या होता है आर वाई बी, रेड येलो और ब्लू, ये फेज वन हो गया, ये फेज का सिंबल है, ये फेज टू हो गया, ये फेज थ्री हो गया, थ्री फेज का लाइट अब इसके थ्रू दिए आईसीपीपी स्विच के माध्यम से, ये तीन वो आईसीपीपी ये जो तीन फ्यूज जो है ये किसके माध्यम से जा रहा है, यहाँ पे एक मेन स्विच है जिसको कि आईसीपीपी स्विच कहते हैं, ठीक है, ये आईसीपीपी स्विच के माध्यम से आपको कभी कभी फैन एंड सिंबल में भी आईसीपीपी स्विच बनाने के लिए कहेगा, तो आपको इसी तरह से बना देना, ठीक है, आपका आईसीपीपी स्विच भी इसी जैसे हम बना रहे हैं उसे बना दे सकते हैं, और ये बोर्ड है आउटर बोर्ड, ये बोर्ड को दिखा रहे हैं, और इसी में अर्थ की बॉडी क्यों रहता है, ये अर्थ रहता है, इसका बॉडी अर्थ क्या रहता है, जिससे कि करंट अगर आ जाता है किसी मशीन में तो वो ग्राउंड कर देगा और फ्यूज फ्यूज उड़ जाएगा, तेजी से करंट आएगा तो फ्यूज उड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉइल होगा, इसके बाद क्या है कि दो स्विच होगा, एक होगा ऑन स्विच, उस स्विच जिसको कहते हैं, एक उस स्विच ऑन होगा, तो ऑन स्विच जो होगा ना वो नॉर्मली ओपन होता है, ऑन स्विच क्या होता है नॉर्मली ओपन होता है, इसके ऊपर का भाग में मेटल रहता है और इसके बाद ये रबड़ का रहता है जिसको कि हम पुश करते हैं, तो इसको पुश करेंगे तो इसमें टच करेगा, दोनों को शॉर्ट करेगा। अब देखिए लाइन पाइन जोड़ने के लिए तो ये हो गया ऑन स्विच, ये हो गया ऑन स्विच, एक होगा ऑफ स्विच, एक ऑन स्विच हुआ एक ऑफ स्विच होगा, मान लिया ऑफ स्विच को नीचे करके थोड़ा बना देते हैं क्योंकि जगह पता नहीं है, ठीक है, हम ऑफ स्विच को, ऑफ स्विच नॉर्मली क्लोज होता है, ये ऊपर के भाग से रहेगा, ये देखिए ऑफ स्विच नॉर्मली क्लोज होता है, ये सट आ रहेगा टर्मिनल से, ये टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल है, इस टर्मिनल को पुश करेंगे तो टच करेगा, ये ऑलरेडी टच रहता है, ठीक है, और इसमें ये हो गया स्विच का भाग जिससे कि जिसको कि हम फेरेंगे मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ कनेक्शन का बात है, सो इतना सब सारा चीज बनाने के बाद अब हम देखिए ये ऑन स्विच है जो नॉर्मली ओपन रहेगा, ये ऑफ स्विच है जो नॉर्मली क्लोज रहता है। अब इसका कनेक्शन करवा है, सबसे पहले एमडीसी कॉइल, एमडीसी कॉइल जिसको कि हम कहते हैं लो वोल्ट कॉइल, यानी वी सी, ये है लो वोल्ट कॉइल, तो लो वोल्ट कॉइल का जो कनेक्शन कैसे करेंगे, इसलिए तो लाइन रहेगा ये 440 का होता है, ये इसमें जो वोल्टेज बना थी 440 वोल्ट, तो 440 वोल्ट जो होगा तो इसमें दो फेज चाहिए हमसे, तो पहला अगर मान लीजिए फेज वन है, ये फेज वन हो गया, ये फेज टू हो गया और ये फेज थ्री हो गया, तीन फेज है और तीनों फेज का लाइन इसमें कम से कम दो फेज का लाइन चाहिए, दो फेज का लाइन चाहने के लिए हम सबसे पहले करते हैं यहाँ से सीधी यहाँ से लाइन लेते हैं, पहला फेज हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, और ये ध्यान रखिए किसी लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो क्रॉसिंग का सिंबल देंगे, लाइन को क्रॉसिंग का सिंबल देंगे ऐसे, ये क्रॉस किए फिर यहाँ से आएंगे फिर क्रॉसिंग का सिंबल देंगे ऐसे, और हम इसको लाइन को जोड़ देते हैं, इससे हम इस लाइन इस को एक फेज ठीक है, और फेज टू जो है ये फेज टू ये दूसरा फेज वन से निकलेगा तो हम दूसरा सर्किट
यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं, इस वजह से हम इसको जोड़ते हैं, इस वजह से इसको जोड़ते हैं। ये था सीधा लाइन की तरफ है, सीधी लाइन की तरफ है, जिससे सुंदर लाइन उठ रहा है, आपको जो भी बनेगा उसको साफ बना बनेगा। ये हम इसके साथ होती है, यहाँ से आपके दिमाग टूटा हुआ है, हमको इसको ऐसे जगह पहुंचाना है जिससे कि अब यही से लाइन हम क्या करेंगे, यही से लाइन हम यहाँ निकालते हैं और हम ले जाते हैं स्विच में। हमको इसी तरह एमबीसी को इनजाइज करना है, एमबीसी को इनजाइज करने के लिए हम पूरा ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि कैसे एमबीसी इनजाइज करना है। ये देखिए अभी हम लाइन ला रहे हैं कि एमबीसी कैसे मैग्नेटाइज हो जाए, इसको ला करके सीधे हम क्या करते हैं इस स्विच को जोड़ देते हैं। यहाँ तो लाइन तो यहाँ से आकर के यहाँ जुड़ गया। इसके बाद दूसरा काम है कि अब एक लाइन जो है इससे होकर के, इससे होकर लेके जाएंगे इसे होकर लेके आ रहे हैं को यहां से आप इधर को करके निकलेगा तो ये देखिए ये लाइन यहां से निकला। अब इस लाइन को हम ले जाकर के फेस टू या फेस थ्री किसी पे जोड़ सकते हैं, फेस थ्री में मान लीजिए जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको फेस थ्री में जोड़ेंगे तो इसको यहां से ला रहे हैं, ला करके यहां से क्रॉसिंग कर सकते हैं, यहां से क्रॉस कर रहे हैं, फिर यहां से ला करके यहां से क्रॉस कर दे रहे हैं और ला करके फिर यहां से इसको जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहां जोड़ दिए। अब ये है ऑफ स्विच, ये ऑफ स्विच है, ये एमबीसी कॉइल हो गया, इसका मतलब लो वोल्ट कॉइल, और ये ओवरलोड रिलीज है, ये ऑन स्विच है, ये ऑफ स्विच है, ये जो है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ये है ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये बाहरी कॉन्टेक्ट ऑक्सिलरी है, एक्स्ट्रा जो है कॉन्टेक्ट। अब देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिए कि ये प्लंजर हो गया, प्लंजर में क्या लगा हुआ, तीन फेज का पत्ती लगा हुआ है जो इंटरली ये जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा हुआ है, ये अंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फाइबर का स्विच है, इसके ग्रूव करके इसको डाला हुआ पत्ती को ग्रूव करके डाल दिया गया जो इस पार से उस पार है,
तो जो हिडन है उसको हिडन पार्ट को छिप गया, उसको हिडन दिखा दिया। अब देखिए लाइट को अगर हम देते हैं, जब हम इसको आईसीपीपी स्विच, इसको कौन सा स्विच कहते हैं, आईसीपीपी स्विच, यानी आईसीपीपी का फुल फॉर्म हुआ आयरन प्लेट रिपर कोर स्विच। इसका नाम हुआ आयरन प्लेट, आयरन प्लेट ट्रिपल कोर, ट्रिपल कोर स्विच। ये किसका पूरा नाम हुआ, एसीटी का पूरा नाम हुआ आयरन प्लेट ट्रिपल कोर स्विच। जब लाइन हम इधर से क्रॉस करते हैं, जब देते हैं ऑन करते हैं, तो फ्यूज से होते हुए लाइन तीनों गति का काम करता है। अब इसको हमको मोटर के साथ जोड़ना है, तो ये जो पॉइंट है तीनों लाइन जो है ये तीनों चला जाएगा लाइन मोटर को, यहां पे भी हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं, ये तीनों जो लाइन है ये मोटर को जाएगा, जिस मोटर को हमको चलाना है उस मोटर को लाइन सप्लाई करेंगे यहां से, ठीक है। तो अब देखिए ये तीन लाइन हम निकाल रहे हैं ये मोटर के लिए, ये तीनों लाइन सिस्टमेटिक निकाल लेंगे मोटर के लिए। ये तीनों लाइन जो है ये चला जाएगा मोटर पर, टू मोटर, ये तीनों चला जाएगा मोटर को। हम नेक्स्ट क्लास में इसका कनेक्शन बताएंगे, ये चलाएगा टू मोटर, ये तीनों लाइन मोटर को गए। अब देखिए इसको समझिए कि जब हम स्विच ऑन किए, आईसीटीपी ऑन किए, ऑन करने के बाद तीनों लाइन यहां आके हुआ, हम क्या किए कि एक फेज वन का कनेक्शन कॉइल को दिए एक छोर को, दूसरा छोर निकला वो होते हुए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से होते हुए ये यहां से होते हुए यहां आकर रुक गया। तो रुक गया जब, तो इसको हमको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के जब हम स्विच ऑन करेंगे, तो चूंकि ये स्टार्टर स्विच में ये मेटल होता है, ये मेटल इसको शॉर्ट करेगा, तो लाइन क्या होगा यहां से इधर चला जाएगा, लीडर से होकर के ये फेज से जैसे मिलेगा ये मेटल आ जाएगा, इसको फॉलो के लिए वोल्ट मिलेगा, ये चुंबकीय खुल जाएगा, और जैसे चुंबकीय खुल जाएगा धीरे धीरे मतलब सॉफ्ट मेटल है ये आयरन है, ये आयरन जो है ये खींच जाएगा से द्वारा, ये क्या करेगा इसको खींच लेगा, ये स्ट्रेसेस करेगा तो सारा पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, इससे सट जाएगा, इससे सट जाएगा, इससे 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 इससे, और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी सट जाएगा। यहां ध्यान रखिए कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और पत्ती के बीच में नहीं है, ये अलग से क्या कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये सब पत्ती है। तो जब लाइन अभी इधर से वो जा रहा था, तो ये जो इसमें क्या कंडीशन ऑन स्विच का क्या कंडीशन है कि जब हम स्विच को डालेंगे तब तक क्या होगा कि लाइन इससे होकर कॉन्टेक्ट यहाँ पे प्रेस कर जाएगा, जिससे होकर ये देखिए यहाँ से रिलीज होते हुए यहाँ से होते हुए डायरेक्ट इसको ले लेगा, तो इसका जरूरत आ रहा है, तो इसका जरूरत नहीं है। आप छोड़ भी दीजिए तो बहुत देर पड़ेगा, हमारा काम हुए ये होल्ड कर लिया, ये मैग्नेटिक होल्ड हो गया, ये होल्ड रहेगा जब तक रहेगा, जब तक इसमें लाइन रहेगा, लाइन रहेगा तब तक ये मैग्नेटिक रहेगा, और मैग्नेटिक पावर जब तक रहेगा तो इसको होल्ड नहीं रहेगा। लेकिन अब तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब इससे होकर धारा बह रहा होता है, तो जब मोटर में लोड बढ़ जाए, इसको मोटर के साथ जब कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जब मोटर में लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो बायोमेट्रिक है दो धातु से मिल करना होता है, तो इसमें क्या कनेक्ट होता है, जब दो धातु से मिल करवाना उसके ऊपर बायोमेट्रिक क्या होता है, तो जब धारा किसी जब लोड बढ़ता है तो क्या तार से होकर के कंडक्टर से होकर धारा का मान बढ़ता है, जब धारा का मान बढ़ेगा तो ये क्या होगा बायोमेट्रिक मेटल करेगा वो हीट करेगा, जो यहाँ सट रहा है अभी बिल्कुल कॉन्टेक्ट पॉइंट में है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को ये खेल देगा तो ये खुल जाएगा,
ये क्या होगा, न्यूट्रल भी हट जाएगा, इससे हटेगा, तो जब ये हटेगा तो क्या होगा, यहां से देखिए धारा यहां से होकर इससे ऊपर जा रहा था, यहां पे ये एक लाइन हमारा ये दर्शक यह समझ लेते हैं, ये लाइन हमारा इस साइड से होकर जाएगा, देखिए ये नीले से होकर जाएगा राइट, यहां ये मिसिंग था, ये लाइन नीले से होकर जाएगा और रोड रिलीज होकर जाएगा, ये देखिए यहां से होकर कैसे होकर जाएगा, तो अब देखिए लाइन इसको जरूरत नहीं है स्विच का, जब ये होल्ड किया तो लाइन ऐसे होकर जाने लगा और सर्किट कंप्लीट करने कर लिया, लेकिन जब ओवर हीट होगा, ओवर लोड होगा, तो ये हीट होगा, तो हीट होगा, तो बेंड होगा, बेंड होगा तो ब्रांच को ठेल देगा, ये ठेल देगा तो ये स्विच खुल जाएगा, जैसे ये खुलेगा तो इससे होकर जो धारा जा रहा था सीधी से बेंडे तो ये धारा खुल जाएगा, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जैसे सर्किट ब्रेक हुआ तो ये स्प्रिंग से कंट्रोल होता है, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग इसको ऊपर खींच लेगा क्योंकि मैग्नेट का पावर स्ट्रॉन्ग है और ये स्प्रिंग कंट्रोल है तो वो खींच लेगा, तो खींच लेगा तो ब्रेक हो जाएगा, अपने जो ब्रश स्थिति था उस स्थिति में जाता है, इस प्रकार ये डीओएस पोजीशन जाता है, उस तरह से कि डीओएस स्टार्टर को इंडक्शन मोटर के साथ जोड़े, इंडक्शन मोटर क्या है वो बताएंगे, इस प्रकार अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू।